बुधवार राजवाड़ा पैलेस स्थित महाराष्ट्र प्रदेश उद्योग व व्यापारी सेल द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती व राष्ट्रीय युवा दिवसानिमित्त सत्कार समारंभाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या समारोहाला माजी मंत्री अनिस अहमद, कॅमिटचे अध्यक्ष व्यापारी नेता दीपेन अग्रवाल, उमेश भाऊ डांगे, नागपूर चेंबरचे सचिव श्री तरुण निर्बान, महाराष्ट्र काँग्रेस उद्योग व्यापारी सेलचे प्रमुख अतुल कोटेच्या प्रामुख्याने उपस्थित होते. या प्रसंगी बोलताना आमदार व शहर काँग्रेस अध्यक्ष विकास ठाकरे म्हणाले की स्वामी विवेकानंद यांनी नेहमीच लोकांना आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी प्रेरित केले. ते म्हणायचे, युवकांनो उठा, जागे व्हा, कामाला लागा व तोपर्यंत थांबू नका जोपर्यंत तुम्ही तुमचे लक्ष गाठणार नाही. जितके प्रयत्न कराल तेवढी समृद्धी तुमच्या दारात लोळेल. पुढे ठाकरे म्हणाले की सफल व्यवसाय हा नैतिकतेवर आधारित असतो. व्यवसायात तोच व्यक्ती यशस्वी होतो जो नैतिकता अंगी बाळगतो. आमदार ठाकरे यांनी यावेळी हेही स्पष्ट केले की उद्योग व्यापारी सेल संपूर्ण महाराष्ट्रात अतुल कोटेच्या यांच्या नेतृत्वात व्यापाऱ्यांसाठी क्रांतिकारी कार्य करून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करेल. दरम्यान या सत्कार समारोहात उपराजधानीचे सर्वश्री सुदर्शन शेंडे, वरुण पारक, करण पाटणी, अंकित चोखानी यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी आयोजक अतुल कोटेचा म्हणाले की स्वामी विवेकानंद हे युवकांचे प्रेरणास्थान होते. त्यांच्या पावलांवर पाऊल ठेवून युवकांनी आपल्या शहर व देशात व्यापाराला प्रगतीपथावर न्यायला पाहिजे, जेणेकरून संपूर्ण विश्वात व्यापार क्षेत्रात भारत अग्रस्थानी राहील. उद्योग व व्यापारात युवकांना प्रोत्साहन देण्यासाठीच हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाचे संचालन श्वेता शेलगावकर व आभार प्रदर्शन श्रीकांत ढोलके यांनी केलं. माजी मंत्री अनिस अहमद यांनी युवकांना सांगितले की प्रतिभेच्या जोरावर तुम्ही संपूर्ण खेळ जिंकू शकता आणि त्यासाठी टीमवर्कची गरज आहे. आपल्या बुद्धिमत्तेला व कल्पनेला कुठलीही सीमा नसून त्यांच्या जोरावर आपण आयुष्यात पुढे जाऊ शकतो. तर व्यापारी नेता दीपेन अग्रवाल म्हणाले की आव्हान आपल्या आयुष्याला रोमांचक बनवतात, यातूनच जीवनाचा खरा सार आपल्याला कळतो. माणसाने नेहमीच आव्हानांना समोर जायला पाहिजे, एकतर त्यातून सफलता मिळेल किंवा धडा. तर विठोबाचे सुदर्शन शेंडे म्हणाले की या कार्यक्रमामुळे आम्हाला प्रेरणा मिळाली असून समाजाप्रती आमच्या जबाबदारीतही वाढ झाली आहे. या प्रसंगी उपस्थित पाहुण्यांनी कॅलेंडरचं विमोचनही केलं. यावेळी कार्यक्रमाला विश्वजीत भगत, सतीश पेंढारी, संजय पुगलिया, रिंकू जैन, मनीष छल्लानी, मेहुल अडवाणी, निलेश खांडेकर, सुशील फत्तेपुरिया, डॉक्टर ऋचा जैन, मुस्तफा टोपीवाला, टोनी जग्गी, अशोक बडोला, अभिषेक सोनी, रवी गाडगे, गोपाल पट्टम, आशिष दीक्षित, लोकेश बर्डिया, राजू वाजूरकर, नागेश आसानी, दीपक रांका, विष्णू शर्मा, गोविंद बाहेती, फिरोज खान, विजय गोलछा, मोंटी गंढेचा यांच्यासह मोठ्या संख्येने इतर व्यापारी उपस्थित होते. स्वामी विवेकानंदजी और जिजाऊ माता का जन्मदिन है. युवा दिन के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी व्यापारी औद्योगिक सेल के हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष हमारे भाई अतुल कोटेचा जी ने उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए युवाओं का यहाँ सत्कार रखा है और इस कार्यक्रम में प्रमुखता से उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र राज्य के माजी कैबिनेट मंत्री भाई अनिस अहमद जी, मंच पर उपस्थित दीपेन जी अग्रवाल, हमारे भाई उमेश जी डांगे, निर्वाण जी और जिन लोगों का यहाँ सत्कार हुआ, शेंडे जी, पारक जी, चोखानी जी और पाटनी जी, तो ये नाम नागपुर शहर में जाने माने नाम है. मुझे लगता है कि अतुल भाई को इस नई जवाबदारी मिलने के बाद उनका मकसद यही रहा है कि हर दिन व्यापारी क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, व्यापारियों को क्या समस्या है, व्यापारी
भाई कहाँ त्रस्त है, दूर से देखने वाले को उद्योगपति और व्यापारी काफी आसानी से जिंदगी जी रहा ऐसी महसूस होता है, मगर उसका दुख तो उसे ही मालूम होता है जो व्यापार जगत से जुड़ा हुआ आदमी है, उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और वह करते हुए अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाना पड़ता है, यह उसका दुख दर्द उसे ही मालूम होता है। और कांग्रेस पार्टी ने भी यह दुख दर्द जानने वाले को ही प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, जो हर समय व्यापारियों में रहता है और जिसे व्यापारियों की कठिनाइयां मालूम है और व्यापारियों से रोज का जिनका काम है, और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए तातु भाई यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे, नागपुर शहर के अध्यक्ष थे, उसके पहले भी कांग्रेस पार्टी के लिए अनिश भाई के साथ खंधे से खंधा मिलाकर नागपुर शहर में काम करते थे, मगर वो व्यवसायी भी थे। तो कांग्रेस पार्टी अगर किसी व्यवसायी को इस सेल का अध्यक्ष बना दे और उस अध्यक्ष ने राज्य में जो व्यापारी है, जो उद्योजक है, उनकी जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाने का काम करे, तो उन व्यापारियों को राहत मिल सकती है, व्यापारी जुड़ सकता है। इस उद्देश्य चतुर्भाई को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है और मुझे लगता है कि बनते बनते ही उन्होंने राज्य के बहुत से जिलों में अपना दौरा करकर वहां पे व्यापारियों से मुलाकात भी की है और आज यहाँ नागपुर शहर में इन चार युवा व्यवसायियों का सत्कार किया है। ये हर समय ना साहब लेटर तो दे दो बोलते, अब उसको मैं बता रहा भैया नहीं होंगे वहां में, नहीं तुम दे हम देखते हैं 5,000 लोग, क्योंकि मैं उनका पूरा लिख के रखता हूँ रिकॉर्ड, 5,000 लोगों ने लेटर लिखे, उसमें से 20-30 लोग होंगे, उन्होंने भाव ने 50 लगाया, बोले 20-30 लोग लगे हैं। तो मुझे लगता है कि नौकरी मिलना कठिन है और विदर्भ में नागपुर में व्यापार व्यवसाय बढ़े तो नौकरियां मिल जाएगी लोगों को, ऐसी उद्योग यहाँ खुलने को होना पड़ेगा। उद्योग खुलते समय सरकार ने कहाँ सहूलियत देना चाहिए इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि विदर्भ में व्यापार उद्योग ज्यादा बढ़े और इस क्षेत्र में हम सब मिलकर काम करेंगे यहाँ आकर, ताकि अच्छा लगा यहाँ आज युवा दिवस दिन के उपलक्ष्य में अतुल भाई ने सभी को एकत्रित करा, मैं इनकी इच्छा शक्ति को सलाम करता हूँ और मेरे दोस्तों समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय हिंद। आदरणीय निश अहमद जी, विकास ठाकरे जी, दीपेन अग्रवाल जी, उमेश डांगे जी, भाई तरुण निर्वाण जी के साथ ही यहाँ पर बिल्डर एसोसिएशन से श्री मुस्तफ़ा टोपी वाला मोटी गिंडेचा, नागपुर शहर गैस डीलर एसोसिएशन से श्री विश्वजीत भगत जी, विष्णु शर्मा जी, एस्ट्रोलॉजर सुप्रसिद्ध अभिषेक सोनी जी, हमारे दूसरे भाई वास्तु विशेषज्ञ सुशील श्री जी, उसके अलावा हमारी महिला कांग्रेस की महासचिव प्रदेश में जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई डॉक्टर ऋचा जैन, हमारे बीज और बियाणी एसोसिएशन से संजय पुगलिया जी, उसी प्रकार हमारे उद्योग सेल के शहर के अध्यक्ष भाई श्रीकांत ढोलके जी, फाइनेंस ब्रोकर एसोसिएशन से गोविंद भाईती जी, हमारे बंगाई के सचिव खांडेकर जी, मनीष छल्लानी जी और ऑटोमोबाइल एसोसिएशन से दीपक राका जी, उसी के अलावा हमारे पूर्व नगर सेवक फिरोज भाई, हमारे युवा साथी आशीष भाई, नागपुर टेकर्स यूनिटी के राष्ट्रीय सचिव भाई टोनी जक्की जी, मैं आप सबका दिल से आभारी हूँ, आपने कम समय में आकर यहाँ पर हम लोगों का मनोबल बढ़ाया। दोस्तों हम इससे भी ज़्यादा लोग बुला सकते थे, लेकिन कोविड की अपनी सीमाएं और जैसा कि विकास भाव ने बताया, अनिश भाई ने बताया, दोस्तों मैं केवल आपको एक बात बताता हूँ, कपड़े और जूतों के ऊपर 12.5% लग चुका था
उसका जीआर निकल चुका था, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, सवेरे 11 बजे सीतारमण जी और अनुराग ठाकुर ने मीटिंग ली और उसको जाहिर करना था। दोस्तों मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है, हमारे छोटा सा प्रयास था। हम रात को 12:30 बजे अजीत दादा के घर को मैं विकास भाव गए और उनको बताया कि भाऊ ऐसा ऐसा है, नागपुर बहुत बड़ा व्यापार क्षेत्र है, 12.5% आप लगा दोगे तो बहुत तकलीफ जाएगी। अनिश भाई मैंने अजीत दादा से बात भी कराई उस दिन। तो दोस्तों उन्होंने सीतारमण के पीए को फोन लगाया रात को 12:30 बजे का, यह फोटो है। उन्होंने बोला कि मैडम आप यहाँ के व्यापारियों के साथ में आप न्याय करिए, जूतों के ऊपर लगा, कपड़े के ऊपर उन्होंने अभी स्थगित ही दी। भूपेन्द्र भाई बरोबर है ना, 5% से 12% की अभी स्थगित ही दी और वो आएगा नहीं आएगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल टाल दिया गया और इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। और हमारा यह छोटा सा प्रयास है दोस्तों, आप चारों लोगों का जो हमने सत्कार किया, इससे मुझे ऐसा लगता है नागपुर शहर के 40 लाख जनता तक जब ये मैसेज जाएगा और आप लोगों से अगर कोई प्रोत्साहन लेकर 2-3 लड़के भी अगर आगे बढ़े तो हमारा यह युवा दिवस पर कार्यक्रम लेना सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चारों से अपील करूँगा कि हमारे साथ एक ग्रुप फोटो दीजिए और सबसे निवेदन करूँगा कि कार्यक्रम के बाद में हम लोग अल्पोहार लेकर पधारेंगे। धन्यवाद, जय। आज के कार्यक्रम के आयोजन के लिए महाराष्ट्र प्रदेश बिजनेस एंड कॉमर्स विंग के प्रेसिडेंट अतुल कोटेचा जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज बहुत ही कम समय में जो उनने एक ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी है उस माध्यम से उन्होंने नाना पटोले जी के और विकास ठाकरे जी के नेतृत्व में नागपुर शहर में अध्यक्ष बनने के बाद मुझे लगता 2 हफ्ते भी नहीं हुए होंगे, 2-3 हफ्ता ही हुआ है, और 2-3 हफ्ते के अंदर में उन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम महाराष्ट्र में बम्बई में भी लिया और महाराष्ट्र में कई जिलों के उन्होंने दौरे भी कर लिए और आज नागपुर शहर में उनका दूसरा तीसरा कार्यक्रम यहाँ पर बहुत ही अच्छे दिन यूथ डे के दिन मनाया जा रहा है, यूथ लोगों के साथ मनाया जा रहा है और स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है उस जन्मदिन के मौके पर वो यूथ डे के दिन यूथ लोगों को जो नागपुर शहर में जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम आइकॉन में काम किया है, यादगार काम किया है, क्रांतिकारी काम किया है, हिस्टोरिक काम किया है, ऐसे काम करने वाले नौजवान यूथ को, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई मेट्रो के अंदर में बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम किया है, किसी ने पार्टी में अपने ऑटोमोबाइल्स में अच्छा काम किया है, अलग अलग फील्ड में सबने आइकॉन जो बना, यूथ आइकॉन जो है आज नागपुर शहर के, कोई मामूली काम नहीं है, यूथ आइकॉन बनना नागपुर शहर के अंदर में, विदर्भ के अंदर में जो एक उगता हुआ नया एक शहर है, डेवलप सिटी हो रहा है। पहले आप सुनते थे रायपुर एक डेवलप सिटी है, अब नागपुर एक मोस्ट डेवलप सिटी, इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी अगर माना जाता है तो वो नागपुर शहर को माना जाता है, पुणे से भी ज़्यादा डेवलपमेंट नागपुर में हो रहा है और उस डेवलपमेंट के अंदर में ये हमारे जो नौजवान हैं उनको आज यहाँ पर उनका मान सम्मान बढ़ाकर उन्हें इज्जत दिया जा रहा है, उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। विकास ठाकरे साहब जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हैं और नागपुर शहर के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है और आमदार है, वो भी युवा है, एक युवा आमदार के हाथ से युवा लोगों को, युवा नौजवानों को अपने अपने अलग अलग बिजनेस फील्ड के अंदर में उनका सत्कार हो रहा है और एक युवा आयोजक अतुल कोटेचा जी के माध्यम से, युवा नौजवान उमेश भाई के माध्यम से, दीपेंद्र भाई के माध्यम से और ये सब नौजवान जो मंच पर बैठे हैं और जो अवार्डी है वो भी नौजवान है और अतुल भाई एक्चुअली यूथ मूवमेंट में से आए गए, विकास ठाकरे जी यूथ मूवमेंट में से आए गए, हम सब लोग भी यूथ मूवमेंट में से आए हुए लोग हैं। संजय कुकड़े जी आपको नीचे से इशारा कर रहे थे मास्क पहनो मास्क पहनो, हम ये प्रोग्राम संजय भाई हमने सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे हैं, हम दूर दूर बैठे हैं 5-5 फुट दूर,
आप चिंता मत कीजिए, हम सब पॉजिटिव दो दो बार हो गए, बहुत लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, हम काम से पॉजिटिव, तो आप चिंता मत कीजिए। आज हम सब लोग एक बार फिर अतुल भाई को बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद, जय।